नमस्कार साथियों, मैं पासाराम धत्रवाल और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे जिन्होंने उकलाना से निकलकर दिल्ली पहुंचे, संसद तक पहुंचे, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचे और उकलाना क्षेत्र ही नहीं बल्कि हरियाणा का नाम पूरे देश प्रदेश में रोशन किया है। इनका नाम है किरण चावला कपूर जी। आपका बेबाक हरियाणा पर बहुत बहुत स्वागत है किरण जी। शुक्रिया किरण जी। सबसे पहले आपका बचपन कहाँ बीता, शिक्षा कहाँ हुई? बचपन बीता मेरा उकलाना में जो कि डिस्ट्रिक्ट हिसार में हरियाणा में है और शिक्षा मेरी यहाँ पर आर्या गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से रही है। इसके बाद गवर्नमेंट वोकेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट उकलाना से ग्रेजुएशन रही है मेरी दिल्ली से बीकॉम, पोस्ट ग्रेजुएशन अनामलाई यूनिवर्सिटी से और बीएड फिर से मेरी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से रही है। किरण जी, आप उकलाना से निकले दिल्ली में पहुंचे जो एक काफी लोगों का सपना होता है कि हम दिल्ली जाएं, देश की राजधानी है, एक अलग सपना हर व्यक्ति का वहां पहुंचने का रहता है। आप वहां पर पहुंच गए लेकिन उकलाना से आप जुड़े रहे लगातार, उसका मुख्य कारण? बिल्कुल, लोगों की चाह होती है कि वो गांव से निकल करके शहर की तरफ जाएं, लेकिन आप शहर में जाएंगे आपको वहां पर पैसा कमाने का चांस मिलेगा, टेक्नोलॉजी मिलेगा, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, हेल्थ फैसिलिटीज मिलेंगी, लेकिन गांव जैसा साफ सुथरा माहौल, यहाँ का अपनापन, ये आपको वहां नहीं मिल सकता है। यही चीज थी जो मुझे वापस गांव की तरफ खींच लाई। हर व्यक्ति का एक सपना पैसे की तरफ ज्यादा होता है। आपने पैसे को साइड में रखा, आप उकलाना से शादी के बाद भी जुड़े रहे, चाहे टेलीफोन के माध्यम से आपका आना जाना रहा, दूसरी सोशल में भी काम किया, ऐसा उकलाना ने आपके ऊपर क्या छाप छोड़ी गया, उकलाना को छोड़ नहीं पाए? उकलाना ने मुझे सब कुछ दिया है। अगर आप कह पाए कि मैं अपने किरदार में मजबूत हूँ तो उकलाना ने दिया है, एजुकेशन दिया है, मुझे संस्कार दिए हैं, एक पर्सनालिटी को और क्या चाहिए होता है। तो जिस जगह ने मुझे जो कुछ दिया है तो मैं उसकी आभारी तो हुई ना। किरण जी, हम देखते हैं गांव से एक व्यक्ति निकलता है, जैसे ही शहर में पहुंचता है और बड़े शहर में पहुंचता है खासतौर पर, वहां एक स्वार्थ आ जाता है, पैसे का स्वार्थ, कमाने का, हर चीज को वो पैसे की दृष्टि देखता है। आपने उस चीज को दरकिनार किया, ऐसी प्रेरणा आपको कहां से मिली? शायद वो मेरे अंदर अपने आप से थी। आज के समय में भी मुझे कहीं गांव के कहीं मिट्टी के कमरे में छोड़ दिया जाए और कह दिया जाए कि अब बाकी का जीवन यहाँ बिताना है तो मुझे वो मंजूर है। इंसान के अपने अंदर ही लोभ लालच होता है, उसके अपने अंदर ही शांति होती है, तो मेरे अंदर असीम शांति है। आपने मानसिक शांति को प्राथमिकता दी? मानसिक शांति को ही प्राथमिकता देती हूँ मैं। दर्शकों, खास तौर पर आपको बताना चाहूंगा, किरण चावला कपूर जी वो हैं जो राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से सम्मानित हुई, वो कब का समय था और किस कारण से आपको सम्मानित किया और कैसे वो सौभाग्य के पल आपको मिले? ये था मार्च 2007, अब्दुल कलाम जी के दफ्तर में राष्ट्रपति भवन में हमारा जाना हुआ था और उसकी वजह थी कि वहां पर हम अपने कविताओं के साथ में पहुंचे थे तो उसी के रिगार्डिंग कवियों का एक दल था जो वहां पर गया और उन्हें वहां पर सम्मानित किया गया। किरण जी, वो पल दर्शकों को बताइए किस तरह का लगा। आप एक महान शख्सियत जो एक परमाणु के नाम से जाना जाता है, जिन्होंने एक देश को अलग अचीवमेंट दी, देश को गर्व हुआ और हर व्यक्ति उसके एक धर्म को छोड़कर, सब चीजों को छोड़कर अपना मानता है और बहुत बड़ा देश का नाम पूरे दुनिया में रोशन किया है, उनसे आप मिले, जैसे ही आपने एंट्री की, कैसे पल थे वो? जब हम लोगों ने वहां पर एंट्री की तो वो अपने टेबल चेयर पर अपने काम में मशगूल थे और लगभग एक मिनट में वो अपने टेबल से उठ करके आए, हमारी तरफ आए और आकर के उन्होंने कहा कि अगले 30 मिनट आप लोग मेरे कमरे में बिताने जा रहे हैं, तो अपने चेहरे पर मुस्कुराहट बनाए रखिए। तो सब लोगों के चेहरे एकदम खिल गए और हमारे ग्रुप में ही कुछ लोग थे जिनकी उम्र लगभग 90 साल के आसपास की थी, उन्होंने मुसलमान होने के बावजूद उन हिंदू लोगों के पांव छुए, वो बड़प्पन उन्होंने दिखाया, उन्होंने ये दिखाया कि काम करने के बराबर में मुस्कुराहट का बना रहना जरूरी है, काम करो लेकिन स्ट्रेस में मत करो, मुस्कुरा करके करो, ये मैंने सीखा। और जब मैं उनसे हाथ मिला रही थी तो उन्होंने मुझसे पूछा था व्हाट डू यू डू, और मैंने कहा था आई एम टीचर, तो उन्होंने कहा था टीचर बिल्ड्स द नेशन। तो वो उस समय में एक ही सेंटेंस में उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी भी दे दी थी और मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ वो किरदार निभाने का भी। आप क्या मानते हैं इतनी महान शख्सियत है आपको रूबरू होने का मौका मिला?
मैं अभी भी उनके हाथ की छुअन अपने इस हाथ में महसूस कर सकती हूँ। शायद आपने ये हाथ किसी से मिलाया नहीं होगा उसके बाद तो। क्यों नहीं मिलाए? नहीं होगा अभी हाथ को अलग फीलिंग नहीं देते हो? नहीं बिल्कुल, बहुत सारे अब्दुल कलाम जी से मिला हाथ। नहीं वो तो है ही है, वो उसके बाद बहुत सारे लोगों से हाथ मिलाए गए, लेकिन अब्दुल कलाम जी से जो हाथ मिलाया गया था उसकी छुअन अभी भी मेरे दिमाग वो में बार बार दिमाग में रहती है। बिल्कुल रहती है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक स्पेशल डे, एक स्पेशल टाइम था लाइफ का। अब्दुल कलाम जी जिस समय देहांत हुआ उनका पूरा देश रोया, आप उनसे व्यक्तिगत तौर पर मिले थे, आपको कैसे? मैं जब अपना काम कर रही थी उस समय में, कुछ 7 बजे के आस पास का समय था, तो मुझे एक मैसेज आया कि अब्दुल कलाम जी नहीं रहे। तो लगभग उसके 2 घंटे बाद तो मैं वहां कुर्सी पर बैठी रही। उसका उसके कई रीजन थे, एक तो पर्सनालिटी को अंडरस्टैंड करना, और अब्दुल कलाम जी के जाने के बाद तो आप मीडिया में देखिए, न्यूज़पेपर्स में देखिए, जितने भी लोग उनसे मिले, देश एक तरह से रुक चुका था। हाँ, उस समय एक जब शानदार पर्सनालिटी किसी भी देश से जाती है, वो उसका शौक तो पूरे देश को था ना, तो मेरे साथ भी था। और फिर मुझे ये भी पता था कि अब्दुल कलाम जी के साथ अगर वो मेरी पिक्चर क्लिक ना हुई होती तो शायद मैं अपने गांव भी वापस ना लौट पाती कहीं ना कभी। हाँ। क्योंकि मेरे गांव ने भी तो यही किया था, उन्होंने भी तो मीडिया के जरिए मुझे वापस से एक तरह से कैच कर लिया यहाँ के लिए। तो वो पिक्चर, वो मोमेंट मेरे लिए बहुत प्रेशियस रहे। दर्शकों जानना चाहेंगे, किरण चालकपुर ने फेसबुक पे एक कमेंट किया था, कुछ लिखा था, जिससे पूरे देश में हलचल मची थी और खुद स्वास्थ्य मंत्री द्वारा ने बुलाया गया था, ऐसा क्या लिखा था आपने, क्या मामला था? वो मामला इतना था कि सरोगेसी बिल के रिगार्डिंग मुझे जेपी नड्डा साहब से मीटिंग चाहिए थी, और कर्नाटका के एमपी जो उस समय में थे उन्होंने मुझे एक लेटर दिया था विश्वराज राव पाटिल जी ने, कि जेपी नड्डा साहब सेरोगेसी बिल पर काम करने के पहले किरण से एक मीटिंग कर लीजिएगा। लेकिन मुझे 48 दिन वो लेटर बने को हो गया, उनके पीए साहब ने मुझे जब मीटिंग का चांस नहीं दिया, तो मैंने फेसबुक पर लिखा कि क्या मैं भारत की नागरिक नहीं हूँ। ये कोई आम सेंटेंस नहीं था असल में, क्योंकि भारत के नागरिक होने के नाते आप किसी भी नेता से के सामने खड़े होकर के आपके संविधान के अनुसार आपको जो कुछ चाहिए आप अपने देश से स्पष्ट शब्दों में उसकी मांग कर सकते हो। मैं वही तो कर रही थी, आई वॉज डैम कॉन्फिडेंट कि जो मैं डिमांड करने जा रही हूँ वो गलत नहीं है, तो मैं क्यों नहीं मांग सकती अपने देश के नागरिक होने के नाते। तो मैंने उसको मांगा था, और जब उन्होंने मुझे मीटिंग नहीं दी थी तो इस पर मीडिया में वो पोस्ट वायरल हो गई थी, बहुत सारे न्यूज़पेपर्स ने उसे छापा था, और अगले दिन मुझे हेल्थ मिनिस्ट्री की रेड क्रॉस सोसाइटी में बुला करके मीटिंग का चांस दिया गया था, और मेरी बात सुनी गई और बिल में जो सुधार चाहिए थे वो भी हुए। दर्शकों मैं बताना चाहूंगा, जो निशंतान दपमंती हैं उनके लिए कानून बनाने में किरण जियो का एक बड़ा अहम रोल रहा है। बहुत कम लोगों को शायद पता होगा किस बारे में इन्होंने क्या भूमिका निभाई, आपकी क्या भूमिका रही, कहाँ तक आपने लंबा संघर्ष किया? संघर्ष की अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट में एक कॉल तक लगाना मुश्किल काम होता है, जो मैंने कई घंटों हर रोज बैठ करके कनेक्ट करके सही ऑफिस तक पहुंच करके वहां पर मैंने अपनी प्रेजेंटेशंस पहुंचाई। एक एक एमपी से मिलना बहुत मुश्किल काम होता है, उसके लिए आपको 10 से 20 दिन का इंतजार करना ही पड़ता है अपॉइंटमेंट और ये सब कोऑर्डिनेशंस करते हुए, क्योंकि जब कोई भी नेता बनना चाह रहा होता है उस समय में तो कहते हैं आओ हमसे बात कहना, हम तुम्हारी समस्याओं का हल करेंगे, और आपके दरवाजे के आगे हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। लेकिन जैसे ही इलेक्शन में वो जीत जाते हैं आप उनका एक फोन नंबर तक कहीं से अरेंज नहीं कर पाते हैं, तो मुझे बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा उनसे मीटिंग करने में। लेकिन जब फाइनली आउटपुट ये रहा कि जब मैंने उनसे मीटिंग की, उनको जो समझाने की कोशिश की, मैंने लगभग 10 एमपी से मीटिंग की, तो वो उन्होंने सुना समझा और उसके अकॉर्डिंग सारी चीजें एक्टिव भी हुई। किरण जी आप दिल्ली से उकलाना जुड़े रहे हैं, उकलाना से जुड़े रहे हैं, दिल्ली जाने के बाद भी आना जाना रहा, लेकिन मकान बनाने क्या सोचे आपने? आप दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली अभी भी पॉल्यूशन को रेगुलर झेलता है। आप स्वास्थ्य के नजरिए से देखें कि हम जी रहे हैं शहर में, कमा रहे हैं, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए कहाँ तक ठीक ठाक है? बिल्कुल भी नहीं है। तो अपने आगे आने वाले समय के लिए हमें एक साफ सुथरी जगह में रहने का स्थान चाहिए। हमारा अपना पैतृक गांव है, मेरे पिता दादा के नाम से जाना जाता है, और सब लोग अपने हैं तो क्यों ना अपने गांव में वापस लौट आए।
आपको यहाँ पर आने में किन का साथ मिला परिवार में, खास तौर पर जब हम एक तरह से अपने मन की बात कुछ करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं परिवार को अपने साथ लगाना पड़ता है, आपके पति भी हैं, घर के दूसरे सदस्य भी हैं, वो कैसे एग्री किया आपने? मैंने अपने पिताजी से ये बात उनके सामने रखी, हस्बैंड को बात सामने रखी, क्योंकि उन्होंने यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं किया था, तो उनके लिए एक बड़ी बात थी, ये अलग बात थी। तो लेकिन जब उनका उकलाना आना हुआ, उन्होंने सब चीजों को देखा परखा और ऐसा उन्हें महसूस हुआ कि जिन लोगों से कभी रिश्ता नहीं भी था, उकलाना के लोगों से रिश्ता नहीं भी था, यहाँ से रिश्ता कायम करना उनके लिए बहुत भला सा रहेगा। तो उन्होंने खुद ये डिसीजन किया कि हम इसमें आगे बढ़ेंगे, तो उनकी सहमति से सब कुछ हुआ है, उन्होंने खुद अपनी खुशी से किया है ये सब। अब आप उकलाना कब कब आते हैं? मेरी सारी छुट्टियां यही उकलाना में बीतती हैं। जब भी आपको छुट्टियां मिलती हैं आप उकलाना ही दौड़े आते हो? डेफिनेटली। जकिरण जी, एक आखिरी सवाल जी, आप जनता को, जो ग्रामीण क्षेत्र की जनता खासतौर पर, उसको क्या संदेश देना चाहेंगे? आज उनके एक पैसे कमाने की होड़ लगी है, उनको बड़े शहर में जाने की होड़ लगी, उनको क्या संदेश देंगे? नहीं नहीं, पैसा इतनी बड़ी चीज नहीं है, पैसा सिर्फ इतना रहे कि आपकी जो बेसिक जरूरतें हैं वो पूरी हो जाएं, या इमरजेंसी के लिए मेडिकल किसी भी कंडीशन के लिए आपके पास कुछ फाइनेंस होना चाहिए, इतने तक जरूरी है। इससे बड़ी अगर आप होड़ समझे पैसे को, कि बच्चे अपने माता पिता को छोड़ के चले जाएं, अपने गांव को छोड़ करके चले जाएं, तो वो गलत होगा, क्योंकि वो वहां शहरों में जा करके या विदेशों में जा करके पैसा तो कमा करके ला सकते हैं, लेकिन अपने सारी चीजों को पीछे छोड़ देने के बाद वो अपनी चीजों को पाने के लिए सिर्फ तरसते तरसते ही रह जाते हैं। तो इतना तड़प करके जिंदगी जीने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रामीण अंचल में है, यहीं पर ये इस समय शहरों से कनेक्ट हो चुके हैं ग्रामीण अंचल। देखिए, मीडिया सब जगह पर है, इंटरनेट फैसिलिटी सब जगह है, ट्रांसपोर्टेशन हर तरह की सब जगह है। तो अपने ग्रामीण अंचल का ही विकास कीजिए, यहाँ के लोगों को साथ लीजिए, गाँव को छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। किरण जी, आप एक लेखक भी, कितनी किताबें लिख चुके हैं अब तक? मेरी अभी तक अलग अलग किताबों में कविताएं छपी हैं, कुछ 5-7 पुस्तकों में, और वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में लंदन में मेरा नाम आ चुका है। अगला प्रोजेक्ट मेरा जो है वो एक बुक लाने का है, जिसे मैं जीवनी के आधार पर लिख रही हूँ, और उसका टाइटल है अम्बो हरनेक। दर्शकों, तो किरण चावला कपूर जी हमारे साथ थे, जिन्होंने अपनी जिंदगी का एक अच्छा अनुभव उन्होंने बताया कि उकलाना से कैसे वो दिल्ली पहुंचे, और दिल्ली पहुंचने के बाद अब भी कैसे वो उकलाना से जुड़े, और उन्होंने जनता को भी एक अच्छा संदेश दिया। धन्यवाद किरण जी। शुक्रिया।